एक और पीस मिलेगा सेम टू सेम। आई लाइक दिस मोर। दोनों कपड़े देखे। हाँ गाइस ये चाहिए, फैब्रिक सॉफ्ट होना चाहिए। चिकन में दाग भी, तो जो चिकन नहीं है वो मटन है। आई वुड लाइक सम मीट टू मेल्ट इन माय माउथ। हाँ माउथ मेल्टिंग, माउथ हाँ माउथ मेल्टिंग। You can come and watch me drink my morning coffee. What's up? Welcome back to another episode of Travel with Sar, where you and I, we travel together. We are back with Travel with Sar and we are going to Lucknow. Y'all know my love for Lucknowi kurtis is eternal. So much so that I literally boriya bistar baandh ke Lucknow ja rahi hu Lucknowi kurti khareedne. Because last year, Ramzan se pehle, maine Lokhandwala market se Lucknowi kurtis li thi, jahan se main usually also ekada khareed leti hu. And I showed it to y'all in vlogs. एंड मेरे जो लखनऊ के सब्सक्राइबर्स थे, सभी लोग ऐसे मतलब 2,000 की कुर्तियां यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, सेल पे मैंने 2,000 की कुर्ती खरीदी। एंड यू ऑल वर लाइक, लखनऊ आओ, आपको 400-500-300 रुपए में ये कुर्तीज मिलेगी। एंड आई एम लाइक ओके फाइन। एंड टीम सारा सरोश इज गोइंग टू लखनऊ फॉर ऑल्सो food, and you know I'm a foodie at heart, so kuch dinon se I'm trying to eat healthy so that I can eat daba ke in Lucknow. I'm very very excited to go. Here are my two bags. Actually this one is empty, isme sirf laptop rakha hai currently, so I'm gonna take this in cabin. And this one is also partially empty because शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो शॉपिंग करके आएंगे। थोड़ी थोड़ी अगर मैं मरी हुई दिख रही हूँ, दैट इज बिकॉज मैं अभी यही रात को सोई नहीं हूँ। एंड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लैक्मे फैशन वीक। मेरे बाल बहुत हाई पोनीटेल में थे, तो मेरा हेडेक भी बहुत हो रखा है, बिल्कुल नींद नहीं ली है मैंने, एक मिनट भी अपनी पीठ टिकाई नहीं है आज। बट अभी फ्लाइट में भी पीठ टिकानी है, और फिर अगर हम जल्दी पहुंच गए तो आई विल गो टू द लाउंज। आई एम वेटिंग फॉर साक्षी एंड दीक्षित, आई एम वेटिंग फॉर देम टू गेट एन उबर। वंस दे डू दैट, देन आई विल ऑल्सो गेट एन उबर एंड देन वी विल बाउंस। मिला उबर? yes, मिली गया। तो कब बताओगे आप कि आपको उबर मिल गई? बुकिंग में उबर कंफर्म। चाल में चार इंडिया के अलग ही मजे। They've reached before me, but they've been standing so उधर। But we will pretend like they were late and I was on time. Okay guys. वैसे तो हम सभी बहुत जल्दी है। So late, oh my god, इतना late कोई आता है? दो बैग क्यों लाए? मुझे गांव भर के लिए शॉपिंग करनी है। चार चार, लेट्स करेक्ट ourselves। अब छोटे तो ट्रैवल ही करने वाले। ये रिक्षिता's फर्स्ट वर्क ट्रिप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे साथ। You need to बंद है, सुबह सुबह वो उधर तक गई। It was shut. कितने का था? 695 ना? 730 with tax. Yes. This yes. पूरी बॉटल पूरी बॉटल आती है इतने में। I know, right? जगाने में इतने बिजी थे, हम लिटरली भाग रहे गेट की तरफ। लास्ट कॉल चालू है, अंतिम सूचना, और मेरा बोर्डिंग पास भी नहीं मिल रहा है। हम लिटरली भाग रहे, चिल्लो के खा रहे। वही ना, देख पिज्जा हाथ में पकड़ के भाग रही है। आ गया आ गया। यस यस, आ रहे। वी मेड इट गाइस, वी आर बोर्डिंग। हम लिटरली लास्ट लोग हैं, डर खत नहीं है। चलो बाय गाइस। नींद आ रही। उधर ये गिरा था तभी ले लेना चाहिए था ना। एक तो उसको ब्लैक बैग, पहले मैं बोली देख के पहचान लूंगी। बहुत ही अंकल उसके बाद आ रहा, और मेरा था। ऑफ बेल्ट नेक्स्ट टाइम ऐसे पैक करके ला। नेक्स्ट टाइम कलर वाला बैग खरीदेगा, पेंट कर दे। आप लखनऊ में है क्यों ना? जॉली एलिल भी देखी नहीं होगी आपने, उसका बहुत फेमस डायलॉग है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मैंने ऑलरेडी चिकनकारी का एक स्टोर देख लिया है एयरपोर्ट पे, मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है। अगर सच्ची में सस्ती मिलती है ना, मैं 30 लेके जाऊंगी खुद के लिए। ऑल 30 डेज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न। माय नेबर ओनली हेल्प मी पैक लास्ट नाइट, शी सेड इफ यू डोंट ब्रिंग मी अ प्रिटी कुर्ती।
You guys have been nominated for the Cosmopolitan Blogger Awards for the first time in Lifestyle Influencer of the Year. अगर आपको मेरे vlogs अच्छे लगते हैं तो link description में और pinned comment में होगा. Please don't forget to go vote for me. मैं nominate भी popular choice से हुई हूँ और अगर जीतना है तो भी it should happen by आपके votes. So don't forget to click the link in the pinned comment and description and vote for me. Thank you. Bye. What is this beauty, Lucknow? Dude, this looks like Dubai only in some way. Look at that, Phoenix is ye inka. Lulu Hypermarket, but yeah, Ekana Sports City. Yeah, it's a stadium. आइए पधारिए. कबूतर भी आएंगे. होटल में चेक इन हो गया है एंड हम गोमती नगर में रुके हैं. सो दिस इज लाइक 30 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट. बहुत ही ज्यादा पॉश और एकदम अलग ही वाइब आ रहा है इधर का. एक तो द पेस ऑफ द सिटी इज नाइस एंड स्लो, सो इट्स सो रिलैक्सिंग आउट ऑफ बॉम्बे. पीपल आर गोइंग फॉर डॉग वॉक्स नाउ एट 10 AM, 10:30 AM. अभी तक फज के एक दो वॉक हो जाते, एक दो चक्कर हो जाते, तो द पेस ऑफ लाइफ इज सो नाइस एंड रिलैक्सिंग. और इस साइड पे आई थिंक इट्स वेरी ओपन ऑल्सो गोमती नगर की साइड पे. आई डोंट नो इफ फुल लखनऊ इज लाइक दिस बिकॉज आज तो अभी मेरा पहला घंटा है इधर. बट वी सॉ लाइक सो मेनी लैंडस्केप्स एंड गोल्फ happening, like a full golf area stadium on the way, and we saw big malls. Lulu Hypermarket hai, the Dubai wala Lulu is in Lucknow. I had no freaking idea. Hum aaye hai idhar tak local market jaane, to hum wahi jayenge, but just to see this side of Lucknow, which we were not expecting at all, because I don't think I've seen a lot of like anybody in Lucknow in general. Pehle hum ja rahe breakfast khane buffet mein. Aaj ko hamara included nahi tha, humko early check-in de diya hotel ne luckily, but we are paying and doing the breakfast here today because we are very स्लीपी. हम लोग कोई भी रात को सोया नहीं है, तो हम लोग पहले खा के सो जाएंगे, उसके बाद एनर्जी लेके फिर हम मार्केट शॉपिंग लोकल फूड खाने जाएंगे. सो लेट्स गो. इफ यू आर स्टेइंग ओवर हियर इन गोमती नगर, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो के एवरीथिंग इज फार अवे. आई डोंट नो लखनऊ के ट्रैफिक का क्या सीन है, क्योंकि अभी तो हम सुबह सुबह जल्दी आ गए 8 बजे के आसपास. 17 किलोमीटर हमने 30 मिनट में क्रॉस किया, विच इज नॉट अ मुंबई कर थिंग एट ऑल. 17 किलोमीटर के लिए हमको 1.5 आवर लगते हैं बॉम्बे में. बट आई डोंट नो, एज द हसल बसल ऑफ द डे स्टार्स, प्रॉब्ली इधर भी ट्रैफिक होगा. जब मार्केट वगैरह जाएंगे तभी वील सी गोमती नगर से कितना दूर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द होटल्स आई सॉ आर ओवर हियर. वी वर सीइंग मैरियट प्रॉपर्टी वाज आल्सो ओवर हियर एंड हयात भी इधर ही थी. यू गाइस, ये लग रहा है ना अभी नाश्ता कर रहे हैं हम, मतलब काफी भूखे हैं, सोए नहीं है. A few hours later. We are ready for day one in Lucknow, wearing my pink Lucknowi kurti. Abhi mere paas limited stuff hai, so that's what I've carried. But I'm hoping to shop today and then carry more back with me and wear that for the rest of the trip. The lipstick combo, by the way, I'm wearing is Pack ki Rose Tea Ultimate Matte Lipstick and Kalaba ki Kiss Proof Lipstick. Chowk is a market for chicken curry. Then we need to go tomorrow. So we are here for 4 days. So we are going to explore food and clothes. Achche se. Now we are going to Aminabad, which is, I think, famous for both.
बहुत काफी लोगों ने अमीनाबाद भी बोला और साक्षी ने भी ये फाइंड आउट किया था. तो पहले आज अमीनाबाद जाते हैं, देखते क्या है उधर. अमीनाबाद में और चौक करके भी कोई जगह है? कल चौक जाना है. हाँ ओके परफेक्ट. हमने भी चौक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. ओके 2 मिनट में हम अभी रिक्शा पकड़ेंगे लोकल्स के जैसा. टुक टुक चाहिए. दिस इज नॉट टुक टुक, दिस इज रिक्शा ओनली. पीछे हमने एक रिक्शा कर ली है जो 150 रुपए में हमको अमीनाबाद लेके जा रहा है और उबर ऑटो भी 164 दिखा रही है. सो आई एम गेसिंग इट्स अ गुड डील. लेफ्ट इज द परफेक्ट आवर, द गोल्डन आवर. ओह वाओ, जैसे अपना वो मरीन ड्राइव वाला सब वॉकिंग. अच्छा हो गोमती रिवर, हमारी सस्ती टूर गाइड. आ सकते हैं अपन रात को इधर, कोई भी नहीं दिख रहा है लेकिन बोट पे पूरा फंगस का प्लांट घूम गया है. बोटिंग नहीं होता यहाँ पर. व्हाट एस्थेटिक, बाजू में ऐसा रखा है दिखाने के लिए कि करते थे एक जमाने में. अब नहीं करना चाहते हैं. But those are so aesthetic, those white, yeah, those boots, canopies. वो अंबेडकर पार्क है, ये बाहर वाली पार्क है, ये इसको बोलते हैं 1090 चौरा, मूवमेंट पावर लाइन चौरा. भीमराव अंबेडकर स्थल द्वार, चटपटी गली. कहाँ लगता है चटपटी गली? हाँ मुड़ेंगे लाइन से चटपटी गली. अच्छा इधर अंबेडकर चौक. मेरे को ना एम्पोरियम में नहीं जाना चाहिए चिकनकारी के लिए. गवर्नमेंट वाले चाहिए सस्ता चाहिए. हम मुंबई में इतना महंगा लेते हैं ना तो जान जलती है उधर. तो हम इधर तक आए अभी. वी कैन स्टार्ट. अच्छा कम फैक्ट्री ऑफ चिकनकारी. या दिस इज इन अमीनाबाद दैट वी कम. आई एम प्रीटी श्योर मुंबई की सारी दुकानों में यहीं से आता है. पूरा रूट में ही जा रहे हैं खोदने. यस ओ ब्रो, दिस इज लाइक चिकनकारी हेवन. ओहो थान में किधर मिलता है चिकन? चिकन नहीं आता है, ऊन का कपड़ा आता है 7.5 मीटर, कुर्ता सलवार दुपट्टा तीनों आइटम आते हैं. अच्छा ऐसा प्री थान में नहीं आता है. ये तो वो कड़क वाला है, ये फैब्रिक नहीं मजा आती है. क्या रेट है इसका? ये देखिए 750 का है. हाँ ये देखिए, ये भी 750 का है, ये 950 का है, ये 1350 का है. ये आप होलसेल का भाव नहीं बोल रहे हो भैया? तो हमारे पास तो और सस्ता है, 300-400 है. लेकिन वो कपड़े आपने वो इस टाइप में फैब्रिक बताया ना, देखिए आपने जो पहन रखा है वो है, लेकिन ये आपने जो खरीदा वो उससे महंगा है. ये कितने का? काम देखिए और बारीक है. ये मसलिन क्लॉथ पे है. हाँ मसलिन, मेरा भी मसलिन क्लॉथ पे ही है, पर इधर से ही आता है ना. कितने का ये? 1650 का. अभी हम वो भी दिखा रहे हैं जो आप पहने हुए हैं. ये देखिए 850 रुपए का है. मसलिन में ही दिखाओ, बड़ा बराबर भाव करो भैया. हम मुंबई से 1650 में लेने थोड़े आए कुर्ती, फिर उधर से ही ले लेते ना. 1300 रुपए वाले भी है. हाँ आपको 800-1000 वाली भी दिखाएगी. नहीं बट ये इसका ही बराबर भाव करो. येलो और व्हाइट, व्हाइट तो एक मुझे लेना ही है. फुल व्हाइट? हाँ फुल व्हाइट. एक फुल व्हाइट दे दो. ये रेशम धागे का देखिए काम होता है, तो कॉटन धागे का काम होता है. ये सब देखिए रेशम थ्रेड से पीछे भी सब पूरा बना है. ये अच्छा, इसका नेक अच्छा सुंदर. ये कितने का है रेशम धागे वाला? 1750. भाई आप क्या रेट लगा रहे हो, मैं एक भी नहीं ले पाऊंगी आप ऐसे रेट लगाओ. बट आप मेरे को बराबर करके दोगे रेट तो आप बोलो तो ही मैं. मिक्स वाला मसले नहीं है आप इसका. हाँ जी मैं समझ रही हूँ. सॉफ्टनेस तो देखिए क्या है. I like this more. Yeah, ये ज्यादा महंगा है. वो 1300 वाला है. 1700 तो है, 400 रुपए इसमें कपड़े का ही ज्यादा है. और इसमें हर चीज का फाइन होता जाता है ना, आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है, स्टिचिंग क्वालिटी. अब इसकी सिलाई देखिए कितनी बढ़िया है. ऐसे रेट लगाओगे 1170 रुपए का.
काम देख लीजिएगा तबे को आप. I literally cannot distinguish between that and this work. You know, constantly I'm looking at me. आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है. कॉटन धागा रेशम धागे का पहले अंतर समझिए फिर. तो आपके पास कॉटन के धागे के काम के नहीं है क्या? ये तो कॉटन धागे है. नो दिस इज लाइक द फिनिश इज सो बैड. हां टेक दिस गाइस दिस इज टू फिट. दिस विल फिट. Yes. This is with you. Yeah. Yeah, take it. ऐसे देखना है actually shoulders थोड़े broad हैं. नहीं actually तेरे shoulders बराबर fit होते हैं. तेरी midriff पतली है. Slightly little drop. Slightly. Not too much. On this now you can get tucks. एक और piece मिलेगा same to same. आपके दो रखते ही नहीं इस pattern में. This you like this? I like this. We literally all three wear. Maybe different color, yeah. But same. Instead of this turquoise, lavender. No, turquoise. But much better. Should I take this for my sister? So she will. But we should also take little things from. This is chicken, you know. This is why my dadi aisa bante the. My dadi ko chicken ka itna shauk tha. गाइज हम वहां से तो निकल आए हैं बिकॉज बिल्कुल भी डिस्काउंट हो ही नहीं रहा था. एंड 1750 1500 की अगर कुर्तियां लेनी है तो हम मुंबई से क्यों आए हैं यहाँ. 2000 की कुर्ती. या जो वो टू साइडेड अनारकली टाइप थी वो 2050 की थी. तो वी विल सी अदर प्लेसेस आल्सो सो वी कम टू नो. दिस सेवा चिकन ओनली इज देयर व्हिच हैज एन आउटलेट आल्सो. And this is their factory. But I think वो आउटलेट का ही भाव होगा. कहाँ गया अपना रिक्शा वाला? और वो खाली पकड़ मेरा धागा बोल रहा था अलग है. मैंने लिटरली ये कुर्ती भी 1500 की ली है. आ गए आ गए. कहाँ थे भैया आप? और अंकल इधर जब डिस्काउंट में ये देते क्या? ये आउटलेट है ना? नहीं देते भाई. कितना डिस्काउंट करते हैं? ये ऐसी कुर्ती कितने की मिलती है इधर लखनऊ में? अब और भी देख ली सारी मार्केट है कहीं. बट अभी भूख लगी है. अभी आप कुछ खाने की जगह है. लाल बाग है ये. छोले भटूरे खाने भूख लगी है. बट हम बैठेंगे किधर? अच्छा ऊपर है जगह. चलो टुंडे कबाब खाने निकले थे. छोले भटूरे पे आ गए कुछ वेज लोग हमारे साथ घूमते हैं. बट छोले भटूरे इज माय फेवरेट टू लुक एट दैट डोर. अंश को ये दिखा रहा है. अंश को लगा कि साक्षी के सिंगापुर के जैसे हाल होने वाले लखनऊ में. इंडिया में कभी सिंगापुर जैसे हाल नहीं हो गया. छोले भटूरे इज एक्चुअली माय फेवरेट डिश. मोर देन पाव भाजी मोर देन एनीथिंग आई लव छोले भटूरे. हमने बहुत ज्यादा छोले भटूरे खा लिए. दिल और... भी बहुत ज्यादा खुश हो गया. बहुत ज्यादा खुश हो गया. एकदम पेट भर के खा लिया है. बहुत मजा आ गया. इतना बिगनिंग हम लोग की इतनी अच्छे खाने से हुई है. या हम कबाब खाने वाले थे बट साक्षी में थोड़ा तरस खा के हमने छोले भटूरे. तरस नहीं. या वी लव छोले भटूरे. वी थॉट कि वी स्टार्ट ऑफ इजी विद हर. या बेचारी वो भूखी रह जाएगी ना फिर. बट अभी के लिए हम जा रहे हैं चल के जनपद मार्केट. पहुंच गए हम लखनऊ का जनपद मार्केट. मैंने दिल्ली का बहुत सुना है. लखनऊ का आज तक सुना नहीं है कहीं देखा नहीं है. अभी मेरे आंखों के सामने आप भी देख लो. गाइस जनपद का जा रहा है. चिकनकारी की सारी भी है. देखना है सारी. चेक करके आ सकते हैं. इतना कलेक्शन नहीं लग रहा है बट एक बार देखते हैं. ये मलमल फैब्रिक एक बूटी यहाँ पड़ जाएगी. तीन बूटी मलमल 1250 की. ये मलमल तब तो हम ले लेंगे. मेरे को ये फैब्रिक चाहिए. दिस इज योर ग्रेडियंट आल्सो. कितने का है? 1975 है. इसके मेरे पैंट ना हमेशा क्रॉच से फट जाते इसलिए मैं सेट नहीं ले रही. कुर्ता एंड देन आई लाइक दिस मटेरियल फॉर पैंट्स जॉर्जेट. और वो ही हमको अभी हेल्प कर रहे हैं. ज़ैनब से हाय टू माय व्लॉग. हाय एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज बाय कॉफी. इट्स द अमेजिंग वन एंड टेस्टी. थैंक यू सो मच. हेलो हेलो. लखनऊ आके छुपा चुप्स खाने हैं. इनको पहुंच नहीं पा रहे छुपा चुप्स तक बट छुपा चुप्स खाना है. A little later. क्यों
क्यों Why? अरे रोज मेरी सेवा नहीं होती ऐसी इतने अच्छे से अमित मेरे को मसाज देता है वो भी विदाउट ऑयल ये भी तो ऑयल है अमित की याद उसको कॉल करके इरिटेट कर रहा है नहीं दिख रहा हूँ मैं दिख रहा है सब दिख रहा है अम्मी बैठे ये देख हम होटल रूम Guys, we've ordered waffle from Belgian Waffle Zomato से to the room. We didn't eat dinner, because वो छोले भटूरे ने हमको काफी भर दिया तो आज हमारा कबाब का मुहूर्त निकला ही नहीं कल we will try again for kebab. The next day. Lucknow. We are going to Chowk Market today, which is supposed to be the biggest and very confusing market. वहाँ पे सब लोगों ने हमको बोला है कि सबसे सस्ती मिलती है. My full Sara squad from Lucknow is constantly commenting, messaging on Instagram and telling us places we should go, we should visit. So we do have two more days. So Sara को जो Sara squad ने बताया है, we are going to try to cover. But currently we are planning to go to Chowk because हमको चिकनकारी कुर्ती खरीदना ही है. That's the mission we have come on. But अभी तक ना I'm not finding anything like super super cheap. The max discount they are giving is 950 rupees for the one which I have जो मैंने मुंबई से लिया है मोडाल कॉटन वाला जनपद वाले लोग दे रहे थे and हमको सेवा का फैब्रिक बहुत अच्छा लगा lot of y'all told us that सेवा is overpriced because सारे लोग मतलब उधर जाते हैं all the tourists and all and they do give expensive but he was giving us a mad discount मतलब of course discount के बाद भी वो 1100 ये रेंज में ही था but the quality was really good because उसके धागे वगैरह वो जो भी बोल रहे थे ना it's actually making sense like the difference in fabric I can feel फैब्रिक्स का वैसे भी अंडरस्टैंडिंग है because I do so many outfits and all but also this fabric और मैंने जो कल कॉटन पहना था वो और धागे का and the muslin cloth he was showing और जो रेशम का धागा वो दिखा रहे थे in the work that was there on those kurtis was so much different and of course we understand that उसकी वजह से the price markup is there so आज एक बार चौक में अच्छे से देख लेंगे उसके बाद we are thinking कि अगर चौक में we don't get that quality we'll pick up some cheap ones also from chowk and then we'll go a little premium and get that also so that we have a good variety in like our closet but also आज तुंडे कबाब नहीं खाया ना सच्ची में मैंने वापस मुंबई की दीक्षिता दोस्तों ने कल रात को हम लोग बेल्जियन वॉफल खा रहे थे इधर आके तो we are disappointed in ourselves मुझे खुद को मतलब ऐसा लग रहा था I'm committing some sin by eating बेल्जियन वॉफल को हमने कबाब नहीं खाया आज तो कबाब खाना ही पड़ेगा आज हम निकल रहे मतलब दिन दहाड़े बिकॉज कल हमने नैप ले लिया था ना सोए नहीं थे तो आई डोंट नो इफ आई ऑलरेडी सेड दिस इन माय व्लॉग बिफोर बट द वेदर वाज रियली गुड लाइक मुंबई में करंटली इतनी गर्मी हो रखी है कि हम लोग कोई भी धूप में बाहर नहीं जा पा रहे इधर की धूप इज वेरी फॉरगिविंग एटलीस्ट राइट नाउ आई थिंक देयर आर समर्स कम अ लिटिल लेटर तो करंटली इट्स लाइक नाइस फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं रूम पे से एंड वी आर लुकिंग फॉर एन ऑटो आज हमको होटल के सामने कोई भी ऑटो वाले भैया बैठे नहीं थे रिक्शा मिल गई अच्छा रुक जाए कैंसिल हो जाएगी चौक चलोगे कितना लोगे 250 कितना ओके थैंक यू भैया आई एम लाइकिंग दिस लिप कॉम्बो अ लॉट This Lifter gloss from Maybelline. One time I'm like liking a gloss. I'm using it so much. थोड़ा सा tint है, nude but. This is why I don't like gloss. बाल उड़ के lipstick को चिपक जाते हैं. By the end my hair is gonna be glossy and not in a good way. One of my subscribers, Priyanshi, has told us to go to Banarsi Das's dukan in this lane. So let's go there and check. I think we'll have to bargain quite a lot. We'll go to the chote stores where we look really fancy. So they say like, the, yeah. Plus camera. Plus yeah. This chota dukan became bada very fast, no? Like, don't judge a book by its cover. Yeah, don't judge a shop by its lane. आपको दिख कैसा है
मोडोल्फी कितने के? ये बड़ी आपको 550 की शॉर्ट में, बड़ी थोड़ा बेटर धागे का काम, बेटर देने वाला और इससे बेटर ये बड़ी 750 का है। मतलब ये इसका जॉर्जेट सेम है बट धागे का काम में फर्क है। ये सबसे बेस प्राइस है 350। फिर उसके बाद जब धागे का काम इज क्लोजर टू व्हाट माय धागे का काम इज थिक एंड फ्लफी देन दिस इज 1750। बट इसका फैब्रिक अलग है एकदम, फैब्रिक ऐसा चाहिए, ऐसा फैब्रिक चाहिए, ऐसे 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 काम। इतना क्वालिटी मैटर, 1850 का है, क्वालिटी का फर्क है। ये 1850 का है, ये कौन सा कपड़ा है? मसलिन में भी है, बस क्लॉथ का थोड़ा फर्क है। ये मसलिन थोड़े है, ये मसलिन मॉडल एक क्वालिटी है, बहुत सी क्वालिटी आती है। ये मॉडल 1650 का, मैं तो फैन हूं कलर का, ये गो समवेयर में। दिस इज माय वन एंड ओनली होप टू गेट सस्ता। व्हाट इन मुंबई वी गेट थान में जो चिकन बोलते हैं वो मशीन का होता है। डार्कर येलो है, ये है मेरे पास, दिखाना वो। दिस इज गुड, दिस आई रियली लाइक बिकॉज ओम्ब्रे वी आर नॉट सीइंग दैट मच ऑफ ना एनीवेयर एल्स। इसमें काम भी वैसी है। ये क्या रेट है? 15। शॉप नंबर 1050। द अमाउंट ऑफ शॉप्स वी हैव सीन इतने ज्यादा। ये क्या रेंज है? 1650। सेम ओनली, ही इज़ आल्सो, एवरीबॉडी इज़ सेम। अगर ओम्ब्रे आए हो तो 1500-1600 का रेंज है। ऑर्गेन्जा के लिए आपके पास अंदर लाइनिंग नहीं है ना? लाइनिंग तो आपको मिल जाएगी ना। क्या रेंज है इसका? ये 1250 की है। क्यों इसका इतना महंगा है? इस फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये डायबल फैब्रिक है, इसमें आप व्हाइट या व्हाइट मिल जाएगा, बाकी जितने कलर आप कहेंगे वो सारे डाई के कलर मिलेंगे। येलो में बहुत अच्छा पीस है ये। ये शेड आपको येलो में जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि डाई किया हुआ है। दिस आई रियली लाइक बिकॉज़ दिस फैब्रिक लुक्स लाइक अच्छे से गिरेगा। ये इज विद गोटा पट्टी। इसमें जो आप गोटा पट्टी देख रहे हैं टोटल स्टिच करी हुई है, गोल्डन थ्रेड से चिपकी हुई नहीं है। क्या रेट है इसका? ये 1250 की। इसका जो प्लेन मिलेगा आपको 1050 की रेंज में मिलेगा, नहीं ये वाला 550, वो वाला 450। पर ये काम में मजा नहीं आ रहा है। द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ कुर्तीज दैट वी आर लुकिंग एट एंड सिलेक्टिंग ट्राइंग टू फाइंड साइजेस। 300 रुपया कम किए भाई आपने, मार्केट में आपने बताया तो हमने आपको वही वाले वाला ऑनर वाला ठीक है। दीजिए स्कैनर दीजिए। फाइनली हमारी बॉनी हो गई है विद टू शॉप्स, गणपति क्रिएशन। यहाँ से इन्होंने दो ओम्ब्रे वाली ली है और मैंने ये शरद सेंटर से हम सब ने ये सारी ली है। अभी हम जा रहे हैं तुंडे कबाब खा रहे। फाइनली बूढ़ा आ गया, आप साइड हटो मैम। हमारी खुशी बड़े होंग करते हैं। Go for it. The name of that restaurant is only called Tunde Kabab. I thought it's the name of some dish. It is a dish in that restaurant. अभी दीक्षिता को भूख लग रही है। मुझे इतनी भूख नहीं है जितना मुझे मन है कि वो मैं खाऊं। तो उसका नाम ही है माउथ मेल्टिंग कबाब्स एंड आई वुड लाइक सम मीट टू मेल्ट इन माय माउथ। जितना जितना अंदर जा रहे ना और वैरायटी है। ये वाले अच्छे, ये दुकान में भी जाएंगे। नेशनल चिकन आर्ट। लोग कुछ और पहनते हैं बट क्यों पहनेंगे, ये इतना एलिगेंट है। देयर इज सो मच वैरायटी इन चिकन करी। देयर इज विद गोटा पट्टी, देयर इज विद मिरर वर्क, देयर इज पतला, देयर इज ऑर्गेन्जा एंड आई एम स्पीकिंग देयर लैंग्वेज ओनली नाउ। नवाबों के शहर में नवाबों के शौक है हमारे। दिस मिरर वाला तो मुझे एक लेना ही है। हाँ मुझे खाली पैंट फिट नहीं होगी, आई एम श्योर ऑफ दैट, बट आई विल टेक।
चौक के चौराहे पे आ गए हैं और अभी मुझे खुशबू तो आ रही है फूड की, दिख रहा है दिख रहा है, टुंडे कबाब का स्टार्टिंग दिख रहा है, साक्षी की शक्ल। ओवरवेलमिंग सा है गाइस, इधर बहुत लोग हैं। Yeah, they will look because we are misfit for this. क्या मंगाना है इधर? That's very dirty. You shouldn't have touched it. Guys, हम अंदर गए टुंडे कबाब रेस्टोरेंट में चौक पे और हम बाहर आ गए और हमारी भूख मिट गई। हम लोग ऐसा हो रहा है सच में कुछ क्या? Yeah, बिचारी हमारी वेजिटेरियन भी साथ में। And the video serving was also like, I want to be myself. Yeah, हमको मजे करके enjoy the food and not like 10 people stare at your face like, oh, she's eating this. A meat. They were literally looking at us like we are the meat, you know. We're really, really misfit for it, and it's not just misfit. Like men over here really stare, and we're not used to it at all. They stare, मतलब they keep staring. वो लोग जिस तरीके से serve कर रहे थे ना, उसको देख के मेरे को भूख भी पूरी मिट गई है अभी. थोड़ा time लगेगा मेरा appetite वापस आने के. I'm sure it's really tasty, but I can't eat like this. Super unhygienic. मैं तो बैठी भी, मैंने पूरी कोशिश की मालूम है हमने. We gave it. We really considered. I really want to try it. Everybody saying तुंडे कबाब खाने का, उन्होंने बोला. ऐसा नहीं, थोड़ा आगे. आई थिंक इट वॉज ऑन द सेट. या इट्स अ लिटिल अहेड. हम अभी भी शॉपिंग ही कर रहे गाइस. जितना चलो ना उतनी वैरायटी दिख रही है, तो थोड़ा हम और एक्सप्लोर करेंगे. अरे मसल्ले में कितना, यही दो है क्या आपके पास? बड़े में ही दिखाना. मेरे घर में ना मेरी हाइट के मसाले नहीं, एक ही है पप्पा यूज करते. तो मैं आधी फिट होती हूँ. मरून लुक्स रिचर नो. ग्रीन इज द कलर ऑफ द सीजन. या 500 का, बट ये बीच में से तो ये पूरा निकला हुआ है. मुझे वैरायटी भी दिखाओ, बट ये भी मेरी हाइट का नहीं है, इससे बड़ा है. दिखाओ, दिस इज एलिगेंस. But this is almost like a carpet. This is a carpet. This is not masala. इतना मोटा? This is too heavy. Size छोटी है बहुत. यही तकलीफ है मेरी लाइफ की. और इसमें कुशनिंग मस्त है. This is very pretty, but very very pretty. ये कितने का है? 450 का. ये एक दे दो. My Ramzan prep happening. ये लगे सब कलर है. इसके दुपट्टे लगे सब कलर है. ये येलो दिखाना, ये ग्रीन, ये पिंक और ये पिंक. पर्पल भी दिखाना. पर्पल इज हर कलर ऑफ द सीजन. हमको सब मालूम है, बट डाई कराने के मतलब एक बार जैसा है वैसा पहन लेते हैं, तो फिर क्यों डाई कराना? ये समझिए यही कुर्ती हमने 1500 इसका फ्रेश पीस है क्या? अरे थोड़ा बहुत तो देखिए, घास किनारे सूखा जाते हैं तो नदी किनारे थोड़ा बहुत दाग भी. सबसे चिकन नहीं है वो, मटन है. Let's not talk about meat right now. अच्छा, ये टुंडे कबाब रेस्टोरेंट ऐसी है? ऐसी नहीं, बट ऐसे ही लोग रहते हैं आसपास उधर दूसरे अमीनाबाद वाले में भी. वो सेकंड, हाँ भाई, मेन ये है. अच्छा, ये मेन है क्या? 100 साल से पुरानी दुकान है. पैक करवा लेना चाहिए ना उधर से. तो पैक करा लेते हैं. उधर बैठने के लिए तो हम मतलब बैठ ही नहीं पा रहे थे. ठीक है, ये मेरी साइज है. हाँ, आप ही की साइज है. तुम लोग को नहीं लेने का है मॉडल की? इन लोग की भी साइज दिखाओ ना. 38. ओके, अपने हिसाब से जाएगी. ये इसके लिए ना, साक्षी के लिए. प्योर गाजर है ये. ओरिजिनल चिकन, असली चिकन ही होता. देखिए मैम, यही फैब्रिक है, इसलिए डाई बहुत अच्छी आती है. Yes. We are sitting in a tuk-tuk. At this place, we will reach tomorrow. Somebody's wedding. Manu weds Anurag. All the best. Send them to London. Uncle ji, what is this? This is Imam Bada. Imam Bada. Bhul Bhulaiya. Want to get lost, Dikshita? Yes. अभी आपको फ्रंट से दिखाएंगे, उधर से निकलेंगे. हाँ जी, ये बैक साइड है. उधर फ्रंट, ये तो पूरा पेरिस के जैसा ही दिख रहा है. अलेक्जेंडर ब्रिज ऑफ लखनऊ. ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी. दिस इज फुल दैट इमामबाड़ा. अच्छा, इट्स अ भूल भुलैया ना ये सर. छोटा आगे बड़ा, 3 मंजिल. अच्छा, ओ वी हैव कम टू हजरतगंज. और यहाँ पे लाइक इट्स अ मिक्स, मान्यवर है, फिर नवाब्स रेस्टोरेंट, वेरमोडा,
We also saw one hazelnut factory over there. और ये कितना बड़ा है division manager, railway manager office लखनऊ. अभी हम जा रहे हैं रॉयल कैफे बास्केट चाट खाने हजरतगंज में. This is inside, अंदर पूरा रेस्टोरेंट है guys. और हम इधर बास्केट चाट. But इधर चाट सर्व होगा? Yes. Quite an upgrade from the tunde kebab. तीन बास्केट चाट कर दो ना. अच्छा पहले दो कर दो. दो. दो कर दो. अच्छा एक कर दो. एक बास्केट और भी कुछ है? हाँ दीजिए ना मेन्यू. फाइनली आज हम खाना खा रहे हैं. आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी एट. एक चाय भी कर दे रहा. एक आपकी चाय और क्या करता है? एक बास्केट चाट बोल रहा है. एक बास्केट चाट बोल दिया. हाँ और क्या? और चाट में क्या क्या मिलेगा बास्केट चाट के अलावा? चाट में तो सभी कुछ फेमस है. आलू टिक्की, मटर टिक्की, पालक चटपटी, दही बड़ा, सभी कुछ फेमस है. अच्छा ऑलरेडी आपका बास्केट में हर आइटम जो है एक एक पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है. यू वांट टू डू वन दही बड़ा और आलू टिक्की? एक आलू टिक्की भी कर दो. देखिए तुम वेज पे यार. डे टू में भी हम वेज ही खा रहे हैं लखनऊ में. हमारी क्या इवन आई फील डिफीटेड. जो लोग बोले वो बोले. कल अमित हमको शेम कर रहा था कि लखनऊ आके तुम वेज खा रहे हो. चाट इज नॉट वेज एक्चुअली. चाट इज जस्ट गुड फूड. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. सब भी कुछ है इसमें. Can't go wrong with chaat. This is big puri. उसके अंदर आलू और चटनी और बाहर दही. और ये कैफे बाय द वे मेरी एक सब्सक्राइबर प्रियांशी ने मुझे पूरा लिस्ट भेजा है. थैंक यू प्रियांशी. वो लखनऊ से ही है. सब चुप बैठ गए. गाइस चाय थोड़ी ओके ओके बट मैंने ले लिया. चाय नहीं पीऊंगी ना तो वापस मैं रास्ते में खड़े खड़े सो रही थी कल. कुछ आएगा शॉर्ट लिए एग्जैक्टली. Doop is back. There's a South Indian actor Nani that entered that place when we were eating and there was so much press ki hum bahar nahi aa pa rahe the. आज हर जगह से हमको एक बार घुस गए वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है. But look at how mad people are going. Oh my god. Like they're climbing on top of things to capture him. हम शर्मा जी की चाय पीने जा रहे हैं. 3 minutes or 7 minutes of walking. तो walking ही बट खाली मेडिकल स्टोर पे अपने को बैंडेड मिल जाए. ये कैफे ना बड़ा फैंसी दिख रहा है बाहर से और अंदर पूरा मुझे पेरिस की वाइब्स दे रहा है. इन लखनऊ बट लाइक इट्स अ प्रॉपर कैफे यू नो लाइक बैंड्रा में जैसे होता है वैसा. बट हम लखनऊ ये सब खाने तो नहीं आया. हमको मुंबई में ही मिलता. हम अभी जा रहे हैं शर्मा जी की चाय के लिए चल के हजरतगंज में. मुझे बहुत चाय हो गई आज के लिए. आप पी के बता देना. इट्स ओवर रेटेड. हु सेड? माई सब्सक्राइबर हु वाज विद यू ओवर देयर. बनमस का भी लाई है साक्षी ने और एक एक्स्ट्रा कप जो गिर चुका है. बट इट्स ओके. इट्स ओवर रेटेड बट पब्लिक तो देख. एक चाय बनाने अंदर कितने लोग हैं? सब यहीं पर आते हैं. लोगों को पता है बट इट इज ओवर रेटेड. इट्स लाइक अपेरेंटली लाइक जगह फेमस हो जाती है ना. मुझे बहुत मीठी लगी चाय. ऐसी होती है चाय. फिर अगर इसके साथ कंपेयर करें तो मुझे रॉयल कैफे की चाय बेटर लगी. मुंबई में बेटर चाय. मुंबई में 100% बेटर चाय मिलती है. एंड ऑल्सो दिस बनमस्क नॉट एट ऑल. हमारा बनमस्क का ईरानी कैफे का मतलब माउथ मेल्टिंग बनमस्क का होता है. माउथ मेल्टिंग. आज रात को दस्तरखान में हम खाना खाएंगे देखना. A few moments later. I'm speaking to Ishita Yadav who's my local Lucknowi. Please subscribe to her channel who's giving me dilasa ki aaj main jo mere sath visuals ho rahe the tunde kebab ke udhar wo normal hai. Theek hai main galat wale mein chali gayi. Mujhe kahin aur jaana. Main usse sochi maloom hai ki main pack kara ke nikal leti hu but mere mein itni bhi himmat nahi hai ki main wapas wo gali mein pack karane bhi jaau. Main boli chodo jaane do. हम इशिता से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस. जो हमको मज्जे कराएगी मज्जे तो
Stay tuned. First non-veg dish in Lucknow. Oh my god. Amit humme hasne wala. Spoke to the hotel receptionist also to understand. So they were like, old Lucknow mein kaafi crowd hota hai. And wo jo area hai, it's very male dominated. So wo jo nazre hi humko mil rahi thi wahan pe is not like, we were not feeling safe. Number one. And it was very unhygienic. Like, main to udhar हाथ भी नहीं रख पा रही थी मेन्यू पे, इतना गंदा था तो वो मैं खा ही नहीं पाती मजे लेके. तो देन वी जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ दैट प्लेस. द फूड वी बीन ईटिंग इज लाइक रियली गुड, बट अभी तक कबाब नहीं खाए वो कि दो दूसरा दिन है खत्म होने वाला है. अभी हम जो है दस्तर खा, विच इज अनदर रेस्टोरेंट जो सारा स्क्वाड ने बहुत रेकमेंड किया था. आई थिंक यू ऑल नो दैट आई लाइक टू ईट इन रेस्टोरेंट्स. आई कैन ईट ऑन स्ट्रीट्स. आई लाइक वी एंजॉय ईटिंग छोले भटूरे, इवन दो इट वॉज अ स्मॉल प्लेस, बिकॉज वो हाइजेनिक था. वो अंकल बहुत स्वीट भी थे. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. बहुत टेस्टी था वो कुलचा. दस्तर खां भी दो तीन है. एंड द ओरिजिनल ऑथेंटिक वन इज आई थिंक इन अमीनाबाद और इन हजरतगंज, बट वी आर नॉट गोइंग बैक देयर बिकॉज हम रह रहे गोमती नगर में. तो हम जाने वाले एक दस्तर खां जो इधर है. एंड होटल रिसेप्शनिस्ट एंड इवन इशिता सेड कि दस्तर खां जहां भी खाओ अच्छा ही होता है. सो वी विल गो देयर एंड ईट मीट. ईट मीट. So rude. मुझे नहीं लगा था हमारे वांडे में जो खाने. साक्षी ने ना बहुत मतलब आने से पहले उसने जिंक्स कर दी होगी हमारा कबाब खाना. जितनी बार मैंने रील शुरू की ना, आई एम गोइंग टू ईट अभी तक वो टुंडे कबाब खाए. अभी 10:30 बजे बंद हो जाएगा तो हम जा रहे हैं. 9:55 हो गए. अब रिक्शा ही कर लेते हैं. पायल पूछ रही हाउ हैज लखनऊ बिन. This is a lit area, guys. There's flying saucer. Biryani stock exchange, not bar stock exchange. इधर का बेस्ट कबाब कौन सा है? हम मुंबई से कबाब खाने आए. गलौटी कबाब. तो एक फुल गलौटी कर दीजिए. तो टुंडे कबाब डिश नहीं है वो जो टुंडे कबाब नहीं. अच्छा गलौटी कबाब है, बट वो दुकान का नाम है. दुकान का नाम है टुंडे. अच्छा तो आप ये तो फुल पोर्शन एक कर दो. पनीर चिल्ली खाने का मन है आपका? एक पनीर चिल्ली कर दो. ठीक है. गलौटी कबाब आप इतने नहीं हो. इट्स योर गाइस. हाफ मटन चॉप में कितने पीस आएंगे? नहीं नहीं तो एक सीख कबाब कर दो फिर. फुल ही कर दो. सो सो नाइस. इज लिटरली मेल्टिंग इन माई माउथ. आई हैव नेवर ईटन लाइक दिस. मुंबई में नहीं मजा. ठंडक पे गई. बेस्ट पार्ट ऑफ द डे हो गई. वी वांट सीख कबाब. I'm usually very picky with seekh kebab. It has to be soft, it has to be flavorful. You know, kabhi kabhi butter pura us pe lag jata tarak pe. Seekh kebab mein wo nahi ho raha. I'm very picky also. Sakshi bhookhi nahi ja rahi hai guys. She's eating paneer chili. India? Haan, India mein bhookhi. Aaj main paneer chili nahi khaungi. Aaj nahi. Dikshita ka shoulder dance is like a meme. Alright guys, I am going to end our Lucknow first lap right here. I think हमने काफी तूफानी कर लिया है अभी तक के लिए लखनऊ में. सारा कुछ खा लिया, सारा कुछ देख लिया. कबाब खा लिए मतलब दिल को तसल्ली मिल रही है कबाब खाने के बाद. बहुत अच्छी. आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग कर लिए तो जो मकसद से आए थे वो मकसद पार्शली पूरा हो चुका है. थोड़ी सी और
शॉपिंग हम कल भी करेंगे एंड वी आर गोइंग टू शूट टुमारो, वेरी एक्साइटेड. सुबह सुबह जल्दी उठ के आज जो हमने इमामबाड़ी देखी, देखते के साथ वाला इधर तो शूट करना ही पड़ेगा, तो इतना फटाफट से वी आई हैव प्लान्ड अ शूट एंड वी हैव लाइक अ वीडियोग्राफर कमिंग इन एंड ही इज गोना शूट, सो वी आर वेकिंग अप अर्ली फॉर दैट. अभी सोने की सख्त जरूरत है, बट देयर विल बी बॉम्ब कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम अगर वो अच्छे से गया तो. लखनऊ के इतने सारा स्क्वाड है, मतलब हर गली में हमको कोई ना कोई सारा स्क्वाड मिल जाता है, विच फील्स लाइक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम लखनऊ ओनली. दैट्स व्हाई यू ऑल गॉट सो एंग्री व्हेन लास्ट टाइम आई स्पेंट सो मच ऑन मुंबई का लखनऊ ही. आई वाज टेलिंग इशिता आल्सो, आई वाज टेलिंग हर कि इट्स नॉट वेरी चीप आल्सो, वी थॉट इट वुड बी लाइक 300-400 रुपीस चीप. जो हमको क्वालिटी अच्छी लग रही है वो सब तो हजारों में ही है. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू पिक थम्स अप. फॉर दिस वीडियो सब्सक्राइब शॉट गोस टू राजू भगत. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब शॉट आउट, यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो सेइंग # Sarah Squad and subscribe for my next video, Sarah Squad. Shout out to you guys. Based on another video. Bye guys. Love you. Mwah.